हेलो गाइस, तो एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत। और गाइस, मैं आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा फोन पे से बिजली बिल कैसे जमा करें। अगर आप लोग भी फोन पे एप्लीकेशन को यूज करते हो और आप लोग भी बिजली बिल को जमा करना चाहते हो फोन पे एप्लीकेशन से, तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा फोन पे एप्लीकेशन से बिजली बिल को कैसे जमा करते हैं। तो आप लोग आज की इस वीडियो को देखो आखिरी तक। चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग को बिजली बिल जमा करने के लिए आप लोग को फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अब जैसे आप लोग फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। अब आप लोग को थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना। जैसे आप लोग स्क्रॉल करोगे आप लोग को इधर पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप लोग को एक ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप लोग को क्लिक कर देना है। तो आप लोग जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा और आप लोग से जो बिलर से सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो आप लोग को बिलर से को सेलेक्ट करना है जो भी आपका है। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग को जो है जहाँ पर भी बिल वगैरह जमा होता है, जो ब्रांच है बिल जमा होने की, आप लोग उधर पे जाके पता कर सकते हो, तो वो आप लोग को सब समझा देगा। तो आप लोग को जब पता चल जाएगा तो आप लोग को जो अपना बिलर्स को सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं अपने बिलर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। जब आप लोग सिलेक्ट करोगे तो आप लोग से नंबर मांगा जाएगा, IVRS नंबर रहता है, वो आप लोग को देना है। तो ये आप लोग के बिल में ही रहेगा, आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, आप लोग को ये नंबर आपके बिल में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग को नंबर को दे देना है। जैसे आप लोग नंबर को दे दोगे तो आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को कन्फर्म वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अब आप लोग जैसे कन्फर्म वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा और जिनके नाम से आप लोग का जो बिल आता है वो आप लोग को नाम देखने के लिए मिलेगा ऊपर की तरफ, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये नाम और बिल नंबर जो ID रहती है वो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। उसके नीचे आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा कितना बिल आप लोग का है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये हमारा बिल है, कुछ हमें इतना बिल को पे करना है। आप लोग इस वाले को इधर से आप लोग को ऑप्शन मिल जाता है, आप लोग UPI ID से पे करोगे या डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, जो जिससे भी आप लोग को जो पे करना आप लोग कर सकते हो। तो डायरेक्टली जो हम फोन पे से करेंगे, जहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट लिंक है, उधर से पे बिल वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। जब आप लोग पे बिल वाले ऑप्शन में क्लिक कर दोगे तो आप लोग के सामने कुछ इस तरह की लोडिंग्स वगैरह होने वाली है। अब जैसे लोडिंग्स होती है तो आप लोग से आपको इधर से ब्लैक ब्लैक देखने के लिए मिल रहा होगा। तो ब्लैक ब्लैक इसलिए देखने के लिए मिल रहा है, जो UPI पिन मांग रहा है तो हमको पिन देना है। जब पिन दे देंगे तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा और जो है लोडिंग्स होने वाली है, और लोडिंग्स होने के बाद कुछ इस तरह से जो है अपना जो है पैसा पे होने लगेगा। तो कुछ देख सकते हो जो पैसा पे हो गया और इस तरह से जो हमारा बिल जमा हो गया। तो देखो यार, कुछ इसी तरह से आप लोग बिल जमा कर सकते हो। और आप लोग से बोला जाएगा आप रेटिंग वगैरह देना चाहते हो तो इसको आप नो भी कर सकते हो, यस भी कर सकते हो। अब आप लोग देख सकते हो आपका जो बिल है वो जमा हो चुका है, आपके पास मैसेज भी आ गया है। आप प्रूफ के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे कि मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, तो आप लोग प्रूफ के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो कुछ इसी तरह से आप लोग बिल को जमा कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब करो। आज की वीडियो इतनी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।